अगर आप छिन्न असंख के बारे में जानते हैं तो ये आपको बड़े आसानी से। तो हम बात कर रहे हैं छिन्न कैसे बनता है संघ से, देखिए इसको हम क्या करते हैं। इसकी देखिए थोड़ा परिभाषा देख लीजिए। यदि किसी संघ को आधार के समांतर, ये पूरा संघ है, ये संघ का आधार है, ये संघ है, ये संघ का ये एरिया क्या है, ये आधार है। यदि किसी संघ को आधार के समांतर किसी समतल के द्वारा काटा जाता है, किसी समतल की देखिए समतल के द्वारा काटा जाता है, संघ के आधार तथा समतल के बीच बचे भाग को संघ का छिन्न कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी संघ को, इसको हम क्या करेंगे, किसी समतल के द्वारा इधर वाला एरिया, ये इधर वाला, ये इसको हम क्या करेंगे, यहां से बीचों बीच, बीच से या कहीं से भी आप ऐसे इस आधार के समांतर काटेंगे, ऐसे काट गया ना, ये देखिए हमने इसको क्या किया, इसको काट दिया, ये ऐसे देखिए बन गया, प्रकरण हो गया इसका से। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। इधर देखिए थोड़ा सा ये ऐसे देखिए, एक एरिया ये बन जाएगा, ये एक आधार एक आधार, ये यानी कुल मिला के देखा जाए तो यही ये ये यही क्या कहलाता है, स्तंभ का छिन्न कहलाता। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी संघ से कैसे छिन्नक बनाते हैं। तो संघ को आप कहीं से ये समतल के द्वारा ये इसको जो है काट दीजिए, आधार के समांतर, ये समांतर है आधार के, जब काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये बचा जो पार्ट है संघ का, इसे क्या कहेंगे, छिन्नक। ये ऊपरी आधार हो गया, ये निचला आधार, तो दो इसमें देखिए वृत्ताकार आधार है, तो इसको क्या मान लेंगे, निचला जो है इसकी त्रिज्या हम R1 मान लेंगे, और जो ऊपरी है आधार उसका हम R2 मान लेंगे। अब ये क्या मानेंगे, जैसे आप संघ मानते थे ये ऊंचाई, यहां से इसके केंद्र, इसके केंद्र से इसके केंद्र से ऊंचाई क्या मानेंगे, H, यहां पर समझ में आ गया। और जो इधर ये लेंथ है, ये लंबाई, इसे क्या मानेंगे, तिर्यक लंबाई, जैसे आप संघ में मानते थे, ठीक। तो संघ से ही बना है ये, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि संघ उसे तैयार किया जाता है, इसको कहीं से इसके इधर वाले पार्ट को थोड़ा काट दीजिए, आप काट देंगे तो जो बचेगा वही आपका संघ का छिन्न कहलाता है। जैसे बाल्टी, बाल्टी एग्जांपल में आप लोग देखेंगे तो निचला वाला सीधा नहीं, उसका कैसा होता है, छोटा होता है और ऊपर वाला ये दिखे उल्टा एक तरह से है, इसको ऐसे कर देंगे तो बाल्टी ऐसा नहीं ना उड़े हो गए हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम इसे क्या बोलते हैं, संघ। अब देखिए संघ में ए, जैसे आप संघ में आप पढ़ते थे संघ का आयतन, संघ का वक्र पृष्ठ, संघ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र, ऐसे ही हम छिन्नक में, तो छिन्नक का जो है हम जान लेते हैं कैसे निकालते हैं आयतन वक्र पृष्ठ। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको संघ का आयतन वक्र पृष्ठ आपको आता है निकालना, तो छिन्न का बहुत आसानी से आप निकाल रहे, ठीक। तो देखिए संघ के छिन्न का आयतन क्या होता है, संघ के छिन्न का आयतन कैसे होता है, जैसे आप करते थे उसमें संघ में 1/3 क्या करते थे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना संघ का आयतन, ऐसे इसमें है 1/3 पाई एच, यही आर चेंज करते हैं, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 × R2। ये R1 क्या है, निचले वाले आधार पर क्या है, ये त्रिज्या है, और R2 ऊपर वाले आधार है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि संघ के छिन्न का आयतन बराबर 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 × R2, बस इसका वैल्यू मिलेगा, रख देंगे। ऐसे ही संघ के छिन्न का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल,
वक्र की क्षेत्रफल ये है, ये पूरा देखा है, ये वक्र पृष्ठ होगा। तो वक्र पृष्ठ में आप कैसे समकोण निकालते थे, पाई आर एन, पाई आर इंटू एन ना, ऐसे इसमें करना है, बस आर की जगह पे चेंज करना है क्योंकि आर यहाँ पे देखिए दो आ रहा है, एक आर वन एक आर टू आ रहा है, तो पाई ब्रैकेट में आर वन प्लस आर टू इंटू एल, एल क्या है ठीक, ये फार्मूला हो गया, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है जो इसकी क्या क्या होगी स्क्वायर यानी वर्ग वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, सर्प के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा कैसे निकालते हैं, ये आप क्या करें, ये पूरा वक्र पृष्ठ हो गया यहाँ से ये यहाँ तक, और ये जो वृत्ताकार है ये दोनों आकार इन्हीं का क्षेत्रफल हम जोड़ देते हैं कहाँ, आप क्या करेंगे सर्प के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर आपको निकालना होगा तो ये क्या हो गया वक्र पृष्ठ हो गया सर्प का, पाई आर वन ब्रैकेट में आर वन प्लस आर टू एल हो गए, बस इसी में आपको क्या करना होगा इसका क्षेत्रफल इस आधार का ऊपर वाले आधार का क्षेत्रफल आपको क्या होगा पाई आर वन का स्क्वायर, वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते ही हैं क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वही ये आर वन है तो पाई आर वन स्क्वायर और इसका क्या करेंगे प्लस पाई आर टू का स्क्वायर यहाँ के वक्र पृष्ठ में, जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा छिन्न क्षेत्रफल पाई आर सॉरी पाई एल ब्रैकेट में आर वन प्लस आर टू प्लस ये क्या है नीचे वाला आधार का क्षेत्रफल है पाई आर वन का स्क्वायर प्लस ऊपर वाले आधार का क्षेत्रफल पाई आर टू का स्क्वायर, ये जोड़ देंगे ये संपूर्ण यानी पूरा पूरा इसका छिन्न का जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्षेत्रफल का आप जानते हैं किसमें मापते हैं मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई भी आप लेंगे स्क्वायर में ठीक, आयतन क्यूब में होता है ना, इस चीज को ध्यान रखिए किस तरीके से हम छिन्नक का जो है आयतन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। और अब बात करते हैं लंबाई कैसे इसकी निकालते हैं, कैसे निकालेंगे तिरछी लंबाई, ये है तिरछी लंबाई कितना इधर होगा इतना देंगे, जैसे आप उसमें निकालते थे शंकु में क्या करते थे एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एल क्या है एल बराबर यानी तिरछी लंबाई बराबर अंडर रूट ये क्या करते थे उसकी ऊंचाई का स्क्वायर प्लस उसकी त्रिज्या का तो सेम यहां भी है एल बराबर क्या होगा अंडर रूट ये ऊंचाई है किसकी छिन्नक की यहां से यहां एच स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर, आर वन माइनस आर टू, तो आप ये जो बड़ा वाला है ना आर वन जो बड़ा हो भैया निचला बड़ा है ना इसका आर वन, आर वन इज ग्रेटर देन आर टू, आर वन बड़ा है आर टू से तो क्या करेंगे आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर, इस तरीके से आप छिन्नक का तिरछी आई बात समझे, यही चीजें आपको मिलेंगे या आपको एल पूछेगा तिरछी लंबाई या ऊंचाई पूछेगा या फिर आपसे ये आर वन आर टू ये पूछेगा, यही सवाल आपको छिन्नक में किए जाएंगे। तो इस तरीके से ये छिन्नक आपको समझ में आ गया होगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसके सवाल आसानी से